हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इन दिस पर्टिकुलर से टॉकिंग अबाउट टाइप ए वर्सेज टाइप बी पर्सनैलिटी ट्रेट्स थैंक्स गिरीजा फॉर आस्किंग फॉर दिस टॉपिक सो लेट्स लेटस बिगिन अबाउट दिस टॉपिक सो लेट मी टॉक अबाउट अ ब्रीफ हिस्ट्री ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिसर्च एक इंसिडेंट हुआ था और उस इंसिडेंट से फिर टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी टाइप ए पर्सनैलिटी का बेसिकली पता चला था तो मैं आपको उस हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ तो देर वन इज कॉल्ड अदर अदरवाइज रोजन मैन दोनों ही कार्डियोलॉजिस्ट थे हर्ट के डॉक्टर्स थे एंड दे डिस्कवर्ड टाइप ए बिहेवियर बाय एक्सीडेंटली उन्होंने टाइप ए बिहेवियर को स्टडी कर लिया बाय एंड दे रियलाइज दैट बिहेवियर ऑफ पेशेंट और उन्होंने कैसे रियलाइज किया बाय बिहेवियर ऑफ पेशेंट सिटिंग ऑन द वेटिंग रूम वेटिंग रूम में पेशेंट्स कैसे बैठते हैं उसके पैटर्न से उन्होंने टाइप पे बिहेवियर को निकाला है तो लेट लेट अस ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर रिसर्च है अब देखते हैं आगे हुआ क्या इसमें सो व्हाट हैपेंड इज ऑल द पेशेंट अब उन्होंने वो एक चीज नोटिस की द ऑल द पेशेंट यूज्ड टू सिट ऑन चेयर्स इन द वेटिंग तो वेटिंग रूम में जितने भी पेशेंट जाते थे वो सभी लोग चेयर पे बैठते थे वन डे द डॉक्टर्स डिसाइडेड टू चेंज द कुशन ऑफ द चेयर जो चेयर थे वहाँ पर जो कुशंस लगे हुए थे चेयर्स के ऊपर जो उनके हैंड के ऊपर उसको उन्होंने चेंज करने के बारे में सोचा तो इस कारण से उन्होंने एक कुशन चेंज करने वाले को बुलाया जिसको यहाँ पर अपहोल्स्टर कहा जा रहा है जो बेसिकली कुशन को चेंज करने आया था तो ही अराइव टू डू द वर्क जब वो काम करने आया तो ही केयरफुली इंस्पेक्टेड द ने सारे चेयर्स को देखा एंड देन नोटेड दैट द upholstery has स्ट्री हैज वोर्न इन द way. वे बेसिकली उसने जब चेक किया तो उसने देखा जो चेयर के जो क्वेश्चन थे खासकर हैंड वाले और जो जो सिटिंग क्वेश्चन था वो उसका जो पैटर्न था खराब होने का वो बहुत अजीब व गरीब तरीके से खराब हुए थे तो उन्होंने देखा कुछ समथिंग डिफरेंट है जो पेशेंट के सिटिंग पैटर्न में तो उन्होंने जाकर ये बात डॉक्टर्स को बताई कि मैंने इससे पहले ऐसा कोई भी सिटिंग पैटर्न नहीं देखा है बट यहाँ पर मुझे वो नजर आ रहा है तो उसके बाद क्या हुआ अनलाइक मोस्ट द पेशेंट वेट पेशेंटली द कार्डियक पेशेंट उन्होंने सीम्ड अनेबल टू सिट इन देयर सीट्स फॉर लॉन्ग सो दे टेंड इन द सिट ऑफ द एज ऑफ द सीट एंड लीप्ड अप फ्रीक्वेंटली अब उन्होंने ये देखा कि जो कार्डियक के पेशेंट्स थे जो स्पेसिफिकली कार्डियक के लिए आए थे जिनको हर्ट की प्रॉब्लम थी वो बहुत लंबे समय तक चेयर पे नहीं बैठ पाते थे तो वो हमेशा क्या करते थे वो हमेशा सीट के एज पर बैठते थे और फ्रीक्वेंटली उठते रहते थे उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मोस्ट प्रॉब्ली वो उठते रहते थे एवर द डॉक्टर इनिशियली डिसमिस दिस रिमार्क जब उसने जाकर ये बात बताई डॉक्टर को तो डॉक्टर ने उस बात को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया बट इट वॉज ओनली आफ्टर फाइव ईयर्स पाँच सालों के बाद उन्होंने इस बात को रियलाइज किया एंड दे स्टार्टेड बिगिनिंग देअर फॉर्मल रिसर्च उन्होंने एक फॉर्मल रिसर्च शुरू की इसके ऊपर फ्रिडमन एंड रोजनमैन इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स उन्होंने इसी तरह के बिहेवियर को टाइप ए पर्सनैलिटी कहा टाइप ए लोगों को कहा अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा कि टाइप ए क्या है बट ये कैसे निकल कर आया आपको ये कहानी शायद समझ में आई हो जे सब्सिक्वेंटली कंडक्टेड रिसर्च उसके बाद वो लगातार रिसर्च कंडक्टेड रहे कंडक्ट करते रहे और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो टाइप ए पर्सनैलिटी है वो कई सारे लोगों में पाया जाता है और उनमें काफ़ी ज़्यादा हाई हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी रहते हैं इनफैक्ट उनको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम रहती है एज़ कम्पेयर टू टाइप बी अब चूंकि ये सारा मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड था तो उन्होंने इसके मेजर फाइंडिंग जो थी वो एक डिजीज से एसोसिएट कर दी ऑल लेकिन बाद में जो टाइप ए पर्सनालिटी थी वो कहीं ना कहीं हर फील्ड में एप्लीकेबल नजर आई और इसी वजह से उस पैटर्न को टाइप ए बिहेवियरल पैटर्न का नाम दिया गया आई होप द स्टोरी इज क्लियर टू यू आपको ये सारी स्टोरी समझ में आ गई मैं आगे आपको समझाऊंगा कि बेसिकली क्या हुआ था और उसका टाइप ए से क्या कनेक्शन है तो लेट्स टॉक अबाउट टाइप ए पहले हम सिम्टम्स की बात करेंगे और फिर हम उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्ट्रिस्टिक्स की बात करेंगे तो पहला सिम्टम्स है दे आर ऑलवेज मूविंग वॉकिंग एंड ईटिंग रैपिडली बेसिकली इनमें बहुत ज्यादा अर्जेंसी नजर आती है ये हर काम को जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं देज यूज एवरी थिंग इन अ वेरी हरी एंड दे ऑलवेज ट्राई टू डू टू थिंग्स एट वन टाइम ये हमेशा अपने आप को मल्टी टास्किंग मानते हैं एंड दे ऑलवेज कीप ऑन डूइंग मल्टी मल्टीपल थिंग्स वो मल्टीपल टाइम्स चीजों को एक टाइम पर करने की कोशिश करते हैं दे के नॉट अप विद द लीजर टाइम अगर इनको कुछ फ्री टाइम मिल जाए

क्या क्या चीज़ें उन्होंने एक्वायर कर ली है उन सारे चीज़ों को ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं आप देख सकते हैं कि आपके आसपास या आपके अंदर भी क्या ये सिम्टम्स हैं अगर ये सिम्टम्स हैं तो जरूर बताना कि क्या आप टाइप ए हो क्या ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो बेस्ड ऑन दीज सिम्टम्स अब क्या पर्सनैलिटी निकली क्या आप हाईली कॉम्पिटिटिव हैं आप रिलैक्स नहीं कर सकते आपको हमेशा कॉम्पिटिशन पसंद है यू आर ऑलवेज इन अ हरी सेकेंड अचीवमेंट ओरिएटेड आप बहुत ज्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड हो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करना है तो आपको लगता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता तो इनमें अचीव करने की इतनी ज्यादा दे ऑलवेज इन अ ड्राइव ऑफ अचीविंग समथिंग तो दैट्स दे के नॉट रिलैक्स ये रिलैक्स नहीं कर पाते देन दे आर ऑलवेज इन अ हरी जैसा मैंने आपको बताया ये हमेशा इम्पलसिव है हर काम को जल्दी जल्दी करते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से इनका एक ट्रेड जो बन जाता है वो बन जाता है इम्पलसिवनेस बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं एंड दे आर हाईली एग्रेसिव ऑल्सो ये काफ़ी बार ये लोग इस तरह के टाइप है के लोग एग्रेसिव भी हो सकते हैं और दैट इज अ रीजन वाई डॉक्टर्स ने कहा था कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है बीपी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है अब बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट में हुआ ये था कि टाइप ए के जो लोग थे उनको इतनी अर्जेंसी फील होती थी हमेशा कि वो हमेशा चेयर्स के आगे वाले साइड पर बैठते थे जिसकी वजह से जो कुशन था ना वो आगे की साइड से प्रेस हो गया था और आगे से ही चेयर्स भी इसी तरह से प्रेस हुए पड़े थे और इसी तरीके से उन्होंने टाइप ए पर्सनैलिटी को ढूंढ निकाला और जो इसी का अपोजिट है दैट इज टाइप बी तो लेट्स टॉक अबाउट टाइप बी आल्सो अब टाइप बी के बारे में बात करते हैं तो टाइप बी के भी सिम्टम्स बात करेंगे we'll पहला है, इनको किसी बात की हड़बड़ी नहीं है, नहीं है mood, they are, they इनकी आराम से रिलैक्स कर सकते हैं एक दिन दो दिन एक एक वीक भी रिलैक्स कर सकते हैं घूमने जा सकते हैं बिना किसी गिल्ट के इनको किसी दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी रेस टाइप ए हमेशा अपने आप को रेस में महसूस करता है टाइप बी ऐसा कुछ नहीं है दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी रेस वो अपना रिलैक्स करते हैं any हमेशा ही कॉम्पिटिटिव रहता है और हमेशा जीतने के लिए खेलता है जबकि टाइप बी खेल को एंजॉय करने के लिए खेलता है राधर एन टाइप ए दे डू नॉट फील नीड ऑफ डिस्प्लेइंग डिस्कसिंग देयर अचीवमेंट ये कभी भी अपने अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कर नहीं बताते या डिस्कस करना नहीं पसंद करते जैसे कि टाइप बे करता है टाइप ए हमेशा अपने अचीवमेंट बताता रहता है उसको मेज़र करता रहता है ऐसा टाइप बी नहीं करता तो इनके कई कैरस्टिक्स क्या बन जाते हैं फर्स्ट दे आर रिलैक्स्ड सेकेंड दे आर वेरी पेशेंट वो काफ़ी पेशेंस भी रखते हैं एंड दे आर ईजी गोइंग ये काफ़ी ईजी गोइंग होते हैं ऑब्वियसली टाइप ए और टाइप बी दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आप मुझे यह बताना कमेंट सेक्शन में कि एक आपकी पर्सनालिटी क्या है आप टाइप ए हैं या टाइप बी सेकंड क्वेश्चन मेरा यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे लोगों की जरूरत होनी चाहिए वहां पर कैसे लोग होने चाहिए वहां पर टाइप ए लोग होना चाहिए या टाइप बी लोग होने चाहिए तो यह जरूर बताना कमेंट सेक्शन में दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टाइप ए एंड टाइप बी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल This is Dr. Amit Lal signing off for right now and we'll be meeting in the next lecture.